हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। तो आज मैं आप लोगों के साथ सरोजिनी नगर मार्केट की लेटेस्ट कलेक्शन शेयर करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम सरोजिनी नगर मार्केट आई हूँ। मैं बहुत सारा वीडियो देखती थी सरोजिनी का, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी जाऊँगी कभी। तो मैं दिल्ली आई थी, तो मैं सोची कि मैं सरोजिनी नगर मार्केट जाती हूँ। तो वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में देखती थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है कम प्राइस में। तो इसलिए मैं आई हूँ सरोजिनी नगर मार्केट, और क्या उसकी सच्चाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे वाकई में अच्छी चीज़ें सस्ती कम दामों में आपको मिलती है, या फिर बस ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए सब लोग दिखाते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, एंड जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सरोजिनी नगर जाने का रास्ता। तो अभी मैं और मेरी दीदी और मेरी एक बहन, अभी हम लोग बस से आए थे। तो यहाँ पर ये सरोजिनी नगर जाने का रास्ता, और आपको इस तरह की रोड पे ही आपको मिलती है कुछ कपड़े, यहाँ पे सेल हो रही है। और ये सारे कपड़े सुनकर हम लोगों को हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये जो भैया बेच रहे थे ये 100 के 400 के 5 इस तरह से कपड़े दे रहे थे यहाँ पे। तो वो कपड़े देखने में ही बहुत ही ज़्यादा पुरानी लग रही थी पहनी हुई। तो इस टाइप के कपड़े आप बिल्कुल भी मत लेना। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में देखने में ये भी अच्छा लग रहा था, बट ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतनी सस्ती आपको 100 का 4 या 5 आपको कपड़े मिल रहे हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि वो कपड़े कैसे होंगे। तो ये आपको मिल जाती है यहाँ पे रोड साइड के कपड़े। तो यहाँ पर मिल रही थी 100 रुपीज़ की जीन्स, जो कि कुछ ठीक ठाक थी बट पहनी हुई थी, पुरानी थी। तो ये है सरोजिनी नगर जाने का मेन गेट। तो हम लोग मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मेन मार्केट में, जहाँ से आपको बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी ये सब देखने को मिलेगी। तो अगर आप गाड़ी से जाते हो तो आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मार्केट, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 350 में मिल रही थी कुर्ती, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन थी कुर्ती की। देखने में तो बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू लग रही थी, और एंड कपड़े की क्वालिटी कैसी है वो मुझे नहीं पता, बट देखने में काफ़ी फ्रेश लग रहा था सारा। और डिजाइन कलर आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जा रही थी, तो यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि है आज है संडे, और संडे के दिन हम लोग आए थे। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। एंड यहाँ पर है ज्वेलरी, तो आपको सरोजिनी नगर मार्केट में सारा कुछ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आई नेक्स्ट स्टॉल पे, तो यहाँ पे पैंट एंड टॉप मिल रहा था 200 में, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे थे, फ्रेश फ्रेश। एंड ये सारे जो आप कपड़े देख रहे हो ये न्यू है, ये बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है, पहना हुआ नहीं है, ये सारे कपड़े न्यू है। वो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शन एंड डिजाइन में आपको मिल जाती है हर साइज़ में। ये है नेक्स्ट स्टॉल, यहाँ पर भी आपको 200 में मिल रहे थे टॉप। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टॉप मिल रहे थे, एंड आपको हर साइज में भी मिल रहा था, बहुत सारे डिजाइन में भी आपको मिल रहे थे। तो आप इसमें चूज करके ले सकते हो। एंड ये सारे जो आप टॉप देख रहे हो इसमें कुछ भी डिफेक्टिव नहीं था, सारे फ्रेश थे। एंड हो सकता है 1-2 पीस इसमें डिफेक्टिव हो, बट सारे टॉप अच्छे ही थे। नेक्स्ट स्टॉल यहाँ पर पैंट की थी, जो यहाँ पर 200 रुपये में आपको मिल रही थी इस तरह की पैंट, जो कि अभी काफ़ी चली हुई इस तरह की पैंट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट है ये 200 का टॉप, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टॉप मिल रहे थे 200 में, और आपको हर कलर हर साइज़ में आपको यहाँ पे मिल रहा था। तो आपको इसमें से चूज करके जो भी पसंद है आप ले सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टॉल लगी होती है बहुत सारे। नेक्स्ट है ये 200 का स्कर्ट, एंड अगर आप इस तरह के स्कर्ट पहनना पसंद करते हो तो आपको यहाँ पे 200 में मिल जाएगी। और ये सारे जो कपड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे सिलेक्टेड हैं, क्योंकि ये सारे न्यू हैं कपड़े, तो आप यहाँ से ले सकते हो फ्रेश फ्रेश चूज करके। अगर आप सस्ती वाले कपड़े लेते हो 100 के 4 या फिर 5, तो वो आपको ऐसे ही देखने में ही पता चल जाएगा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। और यहाँ पर है एक शॉप जहाँ पर डेनिम की सारा कुछ मिल रहा था, बट ये सारे प्राइस हाई थी। तो स्टॉल से अगर आप कुछ बाय करते हो तो आपको 100, 200, 300 तक आपको मिल जाता है, बट अगर आप वही चीज़ को आप शॉप से बाय करते हो तो शॉप में आपको थोड़ी महंगी आएगी। तो यहाँ पे इस तरह की शर्ट मिल रही थी 100 रुपीज़ में। इसमें कुछ कपड़े डेनिम्स के भी थे, बट आपको चूज करके यहाँ से लेना होगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे
कलर्स थे यहाँ पे, वाइट कलर के शर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। समर्स में वाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, आज है संडे, और चलने की भी ढंग से आपको चलने की भी जगह नहीं मिल रही थी। अगर आप सरोज नगर मार्केट जाते हो तो आप संडे को बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप अच्छे से कपड़े को देख नहीं पाते हो। नेक्स्ट स्टॉल पे आपको मिल जाती है 250 में इस तरह की टॉप, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी थी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी मिल रही थी। यहाँ से मेरी बहन एक दो टॉप बाय भी की थी, क्योंकि काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉल पे आपको मिल रही थी इस तरह की फ्रॉक, बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे कपड़े देखने को मिलेगी। तो इस तरह की ड्रेस भी मिल रही थी यहाँ पे 250 की, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे नाइट सूट भी आपको मिल रहा था 250 में। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह की स्कर्ट टी शर्ट आपको 120 में यहाँ पे मिल रही थी, बट आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हर साइज का बस ऐसे ही रखा हुआ था, आपको सेलेक्ट करके लेना होगा। इस तरह की जीन्स और जैगिंग्स भी मिल रही थी 200 या 150 में। तो इस शॉप पे आपको मिल रही थी कुर्ती की कलेक्शन, यहाँ पे चिकनकारी कुर्ती और ये सब कुर्ती आपको देखने की मिलेगी। यहाँ पे 300 में सूट का सेट मिल रहा था आपको, कुर्ती प्लाजो। तो समर्स के दिनों में अगर आप इस तरह की कुर्ती पहनते हो घर पे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, आपको 300 में सेट मिल जाएगा कुर्ती विथ प्लाजो, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी थी और कॉटन में थी सारी, और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स डिजाइन भी आपको मिल रहे थे। एंड सॉरी, मुझे गली नंबर शॉप नंबर नहीं पता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ सरोजिनी नगर मार्केट में। तो आप बस सीधे चलते जाना, आपको सारे शॉप स्टॉल सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हो। तो ये है नेक्स्ट स्टॉल, यहाँ पे कुर्ती विथ प्लाजो आपको 300 में मिल रहा था, और यहाँ पे सारे प्रिंटेड कुर्ती विथ प्लाजो था। तो आपको इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल रहे थे एंड 300 में, ये काफ़ी अच्छा था समर्स के लिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट शॉप है, ये वॉच का है, एंड कैप भी यहाँ पे बहुत सारा था। तो सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग गए आइसक्रीम पार्लर के पास, तो वहाँ पे हम बहनों ने खाए आइसक्रीम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेवर के आइसक्रीम मिल जाते हैं। तो अगर आप इस टाइम जाते हो सरोजिनी नगर मार्केट, तो आपको गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको अपने साथ पानी वगैरह लेकर जाना चाहिए, क्योंकि घूमते घूमते आपको भूख प्यास तो लग ही जाएगी। बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं जीन्स वाले शॉप पे। यहाँ पे बहुत सारे जीन्स के कलेक्शन थे, तो यहाँ से मैंने दो जीन्स ख़रीदा है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है। और मेरे साथ मेरी बेटी भी गई थी, उसकी वजह से हम लोगों ने अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाए। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो फ्रेंड्स, घर जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया सरोजिनी से। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, और आपको इस तरह की प्लास्टिक में वहाँ से कपड़े मिलते हैं। आप कुछ भी बाय करते हो तो आपको वाइट कलर की प्लास्टिक में वो देते हैं, तो आपको अपने साथ एक कैरी बैग लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हो जाती है बहुत सारे, तो आपको रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए ही। तो आपको अपने साथ एक बैग लेकर जाना चाहिए, जिसमें आपको जो भी शॉपिंग करनी है आपके सारे कपड़े उसमें आ जाए। तो ये फर्स्ट कुर्ती पिंक कलर की, ये मैंने लिया 300 में कुर्ती विथ प्लाजो, और ये प्रिंटेड है। तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, बट पहनने के बाद एंड धोने के बाद ये कैसा रहेगा ये मुझे नहीं पता, बट कलर डिज़ाइन मुझे देखने में अच्छा लगा तो मैं इसे ले ली थी। इसके साथ है प्लाजो, तो ये रहा इसका प्लाजो, ये लाइनिंग में है प्लाजो। तो प्लाजो की भी अच्छी है, इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है, एंड कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पिंक एंड वाइट। तो ये रहा फर्स्ट कुर्ती। सेकेंड है ये पैंट, जो मेरी बहन अपने लिए ली है, ब्लैक कलर की है, और ये मिला था 200 में। तो इसकी भी फैब्रिक अच्छी है, स्ट्रेचेबल है। तो इस तरह की पैंट वहाँ पे आपको 200 में ईजिली मिल जाएगा। एंड ये है टी शर्ट, ये आपको ये मुझे मिला है 150 रुपये में, और इस तरह की टी शर्ट बहुत सारी थी वहाँ पे 150 की। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे, साइज भी बहुत सारे अवेलेबल थे। तो ये ब्लैक कलर का टी शर्ट है। नेक्स्ट है ये प्लाजो, तो
तो ये भी अनुली है प्लाजो येलो कलर का। इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये मिला था 200 में। नेक्स्ट है ये टॉप, ये मिला था 250 में और इसकी कलर वाइन कलर की है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये सारे जो मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ ये सारे फ्रेश है, बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है, न्यू है सारे। नेक्स्ट है ये जीन्स, तो ये जीन्स मिल रहा था 650 में, बट अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो आप वहाँ से बार्गेनिंग करके ले सकते हो। तो इस तरह की जीन्स मैंने दो बाय किए हैं और मुझे 900 रुपये में दोनों मिल गया था। वो दे नहीं रहे थे, 500 बोल रहे थे एक का, बट बार्गेनिंग करने पे 900 में दोनों जीन्स मिल गया है। और ये जीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट है ये बैग, तो ये मिला है 300 में और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैग का मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉप था और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इस वजह से। नेक्स्ट ये वॉच लिए हैं और ये वहाँ पे मिला है 200 में, तो इसकी कलर भी अच्छी है और आप लोग देख सकते हैं इस तरह की वॉच अभी चली हुई है, तो उसको लेने का मन था तो वो ले ली वहाँ से। तो आज हम लोगों ने बस इतना ही शॉपिंग किया क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कुछ खरीद ही नहीं पाए ढंग से। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक बार सुरेंद्रनगर मार्केट जाऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।